छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति को लेकर कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी सचिव चंदन यादव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में हुई बैठक में केंद्र सरकार की निंदा की गई। मरकाम ने कोरोना वैक्सीन के दाम, चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी और उर्वरकों के दाम को लेकर निंदा प्रस्ताव पास किया। बैठक में तय किया गया कि कोरोना से निपटने के लिए कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सक्रिय होंगे। कांग्रेस अब मेरा बूथ कोरोना मुक्त अभियान चलाएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना वायरस को रोकने में लगी शिवराज सरकार अब जिलेवार बैठकों के जरिए व्यवस्थाओं पर फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में प्रशासनिक अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी बैठक करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों का फीडबैक लेंगे। आपको बता दें, अपने जबलपुर जाने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों और अफसरों को कह दिया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोई भी अफसर या फिर जनप्रतिनिधि एयरपोर्ट पर अगवानी करने न आए। निर्धारित बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा की जाए। शिवराज ने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि कोरोना संक्रमण को लेकर जरा सी चूक घातक साबित हो सकती है, इसीलिए उनके इस दौरे के दौरान कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन किया जाए। कोविड के खिलाफ लड़ाई केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लड़ रही है। सवेरे उन्होंने हमें ऑक्सीजन की सौगात दी थी, बॉटलिंग प्लांट और बाकी सुविधाएं मुहैया कराई थी। आज जब हम लोगों ने चर्चा की तो मोइल 350 बेड के कोविड केयर सेंटर को मध्य प्रदेश में बनाएगा। बालाघाट में 100 बिस्तर, मंडला में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर, सिवनी में 60 बेड का कोविड केयर सेंटर, डिंडोरी में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर और नरसिंहपुर में 40 बेड का कोविड केयर सेंटर ये मोइल बनाएगा। ये माननीय प्रधान जी ने चर्चा करके तय किया है, आवश्यक निर्देश दिए हैं। यहाँ वर्चुअली मीटिंग में सारे संबंधित कंपनी के अधिकारी जुड़े थे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।